हेलो फ्रेंड्स, आज तुम्हारा भाई पूरा चाइना उठा लाया है तुम्हारे लिए। आज देख सकते हो आप हमारे पास कितने सुंदर सुंदर पेंसिल बॉक्स का कलेक्शन है। आपको पता है हमारे चैनल का नाम स्टेशनरी वर्ल्ड है, तो उसका नाम ऐसे स्टेशनरी वर्ल्ड नहीं है, पूरी दुनिया की स्टेशनरी लाके आपके सामने रख देंगे। तो उससे पहले आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपकी खूबसूरत सी आंखें पूरी स्टेशनरी की दुनिया देख पाए। तो सबसे पहले आज हम इतने प्यारे प्यारे एचपी पेंसिल कलेक्शन लेके आए हैं, चाइनीज है सारे के सारे। चाइनीज प्रोडक्ट्स के बारे में ना एक बात खास होती है, वो चलते हैं तो चांद तक जाते हैं और नहीं चलते तो रात तक भी नहीं चलते। तो आज हमारे पास है ना जो वो काफी कॉस्टली है, तो हम देखते हैं कि इनकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, चांद वाले या रात वाले। तो सबसे पहले करते हैं इनकी अनबॉक्सिंग एंड उसके बाद करते हैं इनका रिव्यू। तो फ्रेंड्स देखो, सभी पेंसिल्स बॉक्स कितने प्यारे प्यारे हैं, मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं देखने में। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है, ये पेंसिल बॉक्स आपके हो सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा और वो हम आपको वीडियो के बीच में पूछेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इनका प्राइसेस। देखने में तो बहुत प्यारे हैं, लेकिन अभी आप प्राइस सुनोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितने महंगे हैं। और हम इनका रिव्यू करेंगे तो बिल्ड क्वालिटी भी पता चलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमने पहले पेंसिल बॉक्स का प्राइस वो 220 रुपये है, तो काफ़ी प्यारा है। उसके बाद देखो एक छोटा सा इसका प्राइस 120 रुपीज़ मुझे पड़ा है। उसके बाद कितनी अच्छी बारबी डॉल है, 195 रुपीज़ इसका प्राइस है। उसके बाद देखो कितना सुंदर सा डिजाइनेबल है, उसके बाद इसका 190 प्राइसेस है। उसके बाद मैं इसका बता दूं आपको 330 रुपीज़ है, काफ़ी हैवी सा है। और इसको मैंने 200 रुपीज़ का परचेज किया था। उसके बाद देखो कितने बड़े साइज का पेंसिल बॉक्स है, इसका प्राइस है 300 रुपीज़। तो कहाँ से आपको परचेज करना है सारा कुछ वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर बताऊंगा। 300 रुपीज़ का इसका प्राइस है। तो ये भी बहुत अच्छा है मिक्की माउस। उसके बाद देखो कितना प्यारा सा है, गर्ल्स के लिए एंजल भी इसका लिखा हुआ है और 200 रुपीज़ का है। और हो सकता है किसी ना किसी एंजल का, उसके लिए आपको सिर्फ हमारे आंसर देना है गिव अवे में। उसके बाद आप देख सकते हो इसके अंदर कितना प्यारा सा ज्योमेट्री है, इसका प्राइस 120 रुपीज़ है। किसी भी बॉक्स पे ना MRP नहीं है, बस ऐसे ही प्राइस रखा हुआ है, तो उसी प्राइस पे हमने इनको परचेज किया है। क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट है तो MRP है नहीं, तो हम सबसे पहले इनकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मिक्की माउस वाला पेंसिल बॉक्स है ना, ये मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लग रहा था, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले लिया है। इसका काफ़ी प्यारा सा कलर है और जो इसकी क्वालिटी है ना, वो भी काफ़ी अच्छी। वैसे चाइनीज़ प्रोडक्ट है, लेकिन भैया कि प्राइस अगर आप अच्छा पे करोगे तो आपको बदले में काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब देखो मिक्की माउस को, तो इसने जो पूरी हमारी स्टेशनरी है ना बिल्कुल संभाली है। जो बैग में आपके में इधर उधर घूमी रहती है वो बिल्कुल इसमें आ चुकी है। जो इधर वाला कंपार्टमेंट है, इसके अंदर आप अपने कंपास वगैरह एंड डिवाइडर वगैरह स्केल वगैरह रख सकते हो। यहाँ पे आप अपने डेली यूजेस के प्रोडक्ट रख सकते हो जो आपको चाहिए होते हैं, OHP मार्कर, जेल पेन, मैकेनिकल पेंसिल। यहाँ पे हमने लेड, अपनी शॉर्पनर, हाइलाइटर्स, मार्कर्स, इरेजर, सारा कुछ इसमें बड़ी आसानी से आ चुका है। तो काफ़ी अच्छा है, और भी प्रोडक्ट्स इसके अंदर आ सकते हैं। तो वही एक बैग में आपकी पूरी स्टेशनरी आ जाएगी। सेकंड पेंसिल बॉक्स भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है ना, सच में बहुत ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि काफ़ी टाइम आपका चलने वाला है। आपको ये तो नहीं कि आज खरीदा और कल फिर ख़राब हो जाए, तो ऐसा प्रोडक्ट तो चाहिए नहीं। आप देख सकते हो इसके ऊपर जो ये प्रिंट किया हुआ है ना, ये 3D प्रिंट है, तो काफ़ी अच्छा फील आ रहा है इससे। और जो इसका कलर है वो भी लाइट पर्पल सा है, तो इसको भी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। इसकी जिप क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और 2 जिप इसमें आपको मिलने वाली हैं। तो वाह, क्या बात है, इसके अंदर तो हमें पहले ही सामान मिल चुका है। तो भाई पहले कुछ नहीं मिलता है, मैंने बिहाइंड द सीन इसके अंदर सामान रखा है। और इसके अंदर भी हमें 2 कंपार्टमेंट 3 कंपार्टमेंट मिलने वाले हैं, जिसके अंदर मैंने इसमें पेंसिल वो रखा हुआ है, स्केल वगैरह, डिवाइडर वगैरह। और आप इसमें यहाँ पे अपने पेन वगैरह इजीली रख सकते हो, और इसमें आप अपने हाइलाइटर्स वगैरह या अपने मार्कर्स वगैरह कुछ बड़े प्रोडक्ट्स रख सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। हमारा थर्ड पेंसिल बॉक्स भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। आप देख सकते हो कितने ट्रांसपेरेंट सी इसकी अच्छी लुक है, और इसके ऊपर 3D बार भी डिज़ाइन की हुई है। और देखो कितनी अच्छी इसकी जिप क्वालिटी है, कलर बहुत प्यारा है, कॉम्बिनेशन है। इसको ओपन करके मैं दिखा दूँ, वाओ, इसके अंदर में कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं जिनको मैंने ही रखा है। और आप देख लीजिए, इसके अंदर हमें ना सिर्फ ये 2 कंपार्टमेंट मिलने वाले हैं, इधर साइड कुछ नहीं है। जैसे उनमें था, उनमें क्या था, हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह इसके अंदर रख सकते थे। अगर आपको रखने तो आपको वो यहीं रखने पड़ेंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, अगर आपको पसंद है तो आप गिव अवे में भाग लें और इसका भी आंसर दे के हमें अपना बना लें। तो उसके बाद हमारे पास जो देखो नेक्स्ट पेंसिल बॉक्स है ना, वो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा।
लगा, क्योंकि देखो वो थे कपड़े में बिल्ड किए हुए, लेकिन ये थोड़ा प्लास्टिक के अंदर है। और इसके अंदर मैं आपको एक खास चीज़ दिखा देता हूँ, वाओ कितना बड़े साइज का इसके अंदर आपको कैलकुलेटर मिलना है, और जिसको आप इजीली ऐसे बंद कर सकते हो। तो मैं आपको इसको ओपन करके इसके फंक्शन दिखा देता हूँ। तो देखो इसके अंदर कितने अच्छे से आप अपने प्रोडक्ट्स को रख सकते हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके अंदर केस मिलने वाले हैं आपको, इसके अंदर हमें सेकंड लॉकर भी मिलने वाला है, तो वो मैं आपको ओपन करके दिखा दूँ। तो एक सिंपल सा है, बाकी इसके अंदर देखो कुछ फंक्शंस भी दिए हुए हैं, मैं उनको देखता हूँ किस तरीके से वर्क करने वाले हैं। तो इसके अंदर आपको शार्पनर दी हुई है, वो कुछ इस तरीके से आप ओपन कर सकते हो। उसके बाद एक और इसके अंदर यहाँ पे आप अपनी रेजर वगैरह कैरी कर सकते हो तो सेपरेटली, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। बाकी और तो कुछ इसके अंदर फंक्शन है नहीं। बाकी बात करें ना इसकी बिल्ड क्वालिटी की, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप सोच रहे हो ऊपर से टेबल वगैरह से बेंच से गिर जाएगा, तो बिल्कुल टूटने वाला है नहीं। फ्रेंड्स एंजल्स के लिए ना एक बहुत सुंदर सा पेंसिल बॉक्स है, इस पे लिखा भी हुआ है एंजल, और साथ में एक की लॉकेट भी अटैच है। और इसके अंदर हमें दो पॉकेट मिलने वाले हैं, काफ़ी प्यारा सा इसका कलर है। मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। इसकी बिल्ड क्वालिटी चेन की काफ़ी अच्छी है, वेरी स्मूथ ओपन हो रही है। वाओ कितने सुंदर सुंदर प्रोडक्ट हैं जो इसके अंदर मैंने रखे हैं, मिलने वाले नहीं है, ज़्यादा खुश होने के वो मत करना। उसके बाद इसके अंदर हमें एक छोटा सा पॉकेट भी मिलने वाला है, तो इसको मैं ओपन करके आपको दिखाऊँ कि इसके अंदर भी कुछ है। हाँ इसके अंदर भी कुछ है जो मैंने रखा है, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके अंदर आप इजीली ऐसे छोटे प्रोडक्ट अपने कैरी कर सकते हो, और जो बड़े प्रोडक्ट हैं वो बड़े पॉकेट में रखते हो। तो अभी हमारा जो पेंसिल बॉक्स है ना, वो बहुत ज़्यादा हल्का सा है वेट में, और दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारा है। आप देखो कितनी अच्छी इसकी फिनिशिंग है, इस पर काफ़ी अच्छे से एक पेस्टिंग की हुई है जो कपड़े की, कुछ इस तरीके से। तो इसे फील करने में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारा है, लेकिन वेट में बहुत हल्का है। तो इसके अंदर भी हमें दो जिप्स मिलने वाली हैं, और काफ़ी अच्छा इसका साइज़ है। आप देख सकते हो इसके अंदर काफ़ी प्रोडक्ट्स हम कैरी कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए सेम हमारे पहले के जैसा ही है जो हमने पहले मिक्की माउस वाला रिव्यू किया था। लेकिन एक खास बात दिखाऊँ, ये देखो ये अगर आप इसको टच करोगे तो इसके अंदर लाइट ब्लिंक होने लगेगी। तो ये बहुत अच्छा है, मल्टी फंक्शनल भी आपको मिलने वाला है, और आपके इसके अंदर तीन कंपार्टमेंट्स मिलने वाले हैं। काफ़ी अच्छा साइज है, जितना सामान चाहो ना इतना आप रख सकते हो, अपना और अपने दोस्तों का भी। हमारा जो नेक्स्ट पेंसिल बॉक्स है ना, वो अभी हमारे कपड़े के हो गए, प्लास्टिक के हो गए, लेकिन ये थोड़ा लोहे का है। तो आप देख सकते हो काफ़ी हैवी क्वालिटी का इसके अंदर मेटल यूज़ किया हुआ है, और इसके ऊपर आपको एक ट्रांसपेरेंट सी लुक मिल जाएगी। और जो इसके अंदर ओपन करके हम देख लेते हैं, तो जो इसके अंदर प्रोडक्ट मिल रहे हैं ना, कसम से वो मैंने नहीं रखे हैं, वो इसके अंदर आपको मिलने ही वाले हैं। तो ये मैं सोचना ये भी मैंने रखे हैं। बाकी इसके अंदर मैं आपको दिखाऊँ, कुछ टेबल्स भी आपको लिखी हुई हैं इसके ऊपर, तो चीटिंग में आपको आसानी हो जाएगी। तो उसके बाद आप देख सकते हो इसके अंदर हमें दो कंपार्टमेंट मिलने वाले हैं, जिस कंपार्टमेंट को आप अलग भी कर सकते हो। तो जो बिल्ड क्वालिटी है ना, वो काफ़ी अच्छी है प्राइस के अकॉर्डिंग। तो सारे प्रोडक्ट्स ना बिल्ड क्वालिटी के अकॉर्डिंग तो वही है कि चाइनीज़ भी सके, लेकिन काफ़ी अच्छे हैं। उसके बाद देखो एक सिंपल सी हमें बारबी के डिज़ाइन वाली पेंसिल बॉक्स मिलने वाली, जिसका बहुत छोटा साइज है। आप देख लीजिए इसको मैं आपको ओपन करके दिखा दूँ। तो एक ये है कि आपको अगर छोटे वाले पसंद है तो आप ऐसा पेंसिल बॉक्स ले सकते हो। इसके अंदर प्रोडक्ट तो काफ़ी कम आने वाले हैं, लेकिन देखने में ना बहुत ज़्यादा प्यारा सा लगता है। हमारा नेक्स्ट पेंसिल बॉक्स है, वो भी एक मेटल का है, तो जिसकी ना काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी, ट्रांसपेरेंट सी लुक है, और इसके अंदर भी मुझे प्रोडक्ट नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको मैं चारों तरफ से दिखा दूँ। इसके अंदर हमें दो लॉक्स मिलने वाले हैं, जैसे पहले लंच बॉक्स में मिलते थे। इसको हमने कर लिया ओपन, तो जो इसका ऊपर का ढक्कन है वो बिल्कुल अलग हो जाने वाला है, और आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट है वो इसी के ही है, क्योंकि देखो इन पे भी हेलो किटी लिखा हुआ है और ये भी हेलो किटी लिखा हुआ है, तो मैंने इनको नहीं रखा है। उसके अंदर आप देख सकते हो इसके अंदर हमें एक छोटा वाला कंपार्टमेंट मिलने वाला है, जिसको काफ़ी अच्छी यूनिक डिज़ाइन किए हुए हैं, और इसके अंदर भी हमें काफ़ी बड़ा एक कंपार्टमेंट मिलने वाला है, जिसके अंदर आप काफ़ी से अपने प्रोडक्ट रख सकते हो। तो बात करें तो क्वालिटी मैटर करती है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो लास्ट में हमें मिलने वाली है एक बस, तो देखो बस के अंदर हमें डबल डेकर मिलने वाला है। तो डबल डेकर कैसे, वो डबल कंपार्टमेंट ही है, जिसके अंदर आप उनको इस तरीके से ओपन कर सकते हो। और इसके अंदर अच्छा अच्छा ये तो भाई बस नहीं है, एक ट्रेन है, तो ट्रेन के अंदर आप देख सकते हो जो आगे का वो, इसके अंदर हम शॉप भी कर सकते हैं अपनी पेंसिल वगैरह, और आप इसको चला के अपने दोस्त तक भी पहुंचा सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी, तो गिरने से टूटने का तो कोई मतलब है ही। फ्रेंड्स अब टाइम है गिव अवे का, तो आपका जो सवाल है वो आपके गिफ्ट्स के पास ही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, एक रुपये में आपको 40 केले मिलते हैं, ठीक है समझना, 3 रुपये में आपको एक आम मिलता है, 5 रुपये में आपको एक सेब मिलता है, मतलब आपके पास 100 रुपये हैं और आपको ये खरीदने हैं, और आपको सिर्फ 100 ही फल लेने हैं, तो तीनों लेने कंपलसरी। आप ये नहीं है कि सिर्फ एक ही फल ले लो 100 रुपये में, और 100 रुपये में 100 ही फल आने चाहिए। तो आपको इंग्लिश में भी मैंने लिखा हुआ है, 40 बनाना 1 रुपीज़ में आते हैं, 1 मैंगो 3 रुपीज़ में, 1 एप्पल 5 रुपीज़ में, तो आपको 100 रुपीज़ है, 100 ही फ्रूट्स होने चाहिए। तो आपको जो आपका आंसर है ना, वो stationaryworld2023@gmail.com के ऊपर मेल करना है। मेल करने के बाद आप हमें कमेंट करके जरूर बता दें कि आपने अपना आंसर हमें मेल कर दिया है, हम जाके देखेंगे। और जो पहले 10 पर्सन हमें मेल करेंगे ना, हमारे पास 10 पेंसिल बॉक्स हैं, और उनको ये 10 पेंसिल बॉक्स गिफ्ट कर दिए जाने वाले हैं। तो पहले को हमारा इस प्राइस के अकॉर्डिंग हम इनको गिफ्ट करने वाले हैं, सबसे महंगा 1st को मिलेगा और सबसे सस्ते वाला 10th को।
तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये पेंसिल बॉक्स पसंद आए होंगे। अगर ये पेंसिल बॉक्स आपको पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके का ना ढेर सारा कंटेंट आपको कंटिन्यूस चैनल पे मिलने वाला है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं आपका फेवरेट पेंसिल बॉक्स इनमें से कौन सा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।